प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन पर चर्चा कर सकते हैं। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच उच्चतम न्यायालय नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल में 7 नए सदस्यों को आज शामिल किया जा सकता है। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 13 जनवरी को होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर अभिनेत्री कंगना रनौत और कुछ अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ केस लड़ने और उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन के नाम पर दोहरी चाल खेल रहे हैं। अमेरिकी सांसद कैपिटल पर हिंसक प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जल्द महाभियोग चलाने की विपक्षी डेमोक्रेटिक की मांग को और बल मिला है। दरअसल इसके साथ ही डेमोक्रेटिक सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज महाभियोग प्रस्ताव पेश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इसे गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। दिल्ली में चल रहे किसानी संघर्ष से वापस लौट रहे श्री मुक्सर साहिब के किसान की निमोनिया के कारण मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। अहमदाबाद के एक स्कूल ने छात्रों का बैंड बजाकर स्वागत किया। देश दुनिया दी ताजा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।